हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ पैसिफिक। इस वीडियो के पार्ट वन में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी में किस वजह से अच्छे से नहीं होता है। इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। लेकिन अपने बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और उसका लेयर जो हमारे बॉडी के अंदर जमा होता है, उसको बाहर निकालने के लिए या कम करने के लिए दो चीज़ें सॉल्यूशन का रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट इज़ फास्टिंग। हमारा शरीर खुद को हील करने के लिए या रिपेयर करने के लिए बहुत सक्षम है। फास्टिंग की वजह से या उपवास की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको बर्न करना या पचा के बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। जब हम बार बार खाना खाते हैं, हमारा शरीर उस खाने को पचाने में ही जुट जाता है। तो फास्टिंग से हम नेचुरली शरीर को टाइम देते हैं, फुर्सत देते हैं फूड के डाइजेशन से, और टॉक्सिन्स को डाइजेस्ट करके बाहर निकालने के लिए शरीर वक्त निकाल सकता है। तो अगर आप बिल्कुल फास्टिंग नहीं करते हैं तो आप फास्टिंग कैसे करें? अगर आप रात का खाना 10 बजे खाते हैं या 9 बजे खाते हैं तो ट्राई टू ब्रिंग इट टू 8 o'clock। 8 बजे से पहले खाना खाने की शुरुआत कीजिए और दूसरे दिन 8 बजे के बाद ही कुछ भी खाइए। इस तरह से आपका 8 से 8 तक 12 घंटे का फास्ट होता है। अगर अब तक आप कुछ नहीं करते हैं तो रोज़ इतना कीजिए कि शाम को 8 से पहले खाना खाइए और सुबह 8 के बाद ही कुछ खाइए। जैसे हमारा शरीर थोड़ा थोड़ा करके इससे यूज्ड टू हो जाएगा, इस हैबिट से, वैसे वैसे हम टाइमिंग एक्सीड कर सकते हैं। 8 की बजाय सुबह 10 के बाद खा सकते हैं तो हमारा 14 घंटे का फास्ट हो जाता है। 10 के बाद हम 12 एक्सीड कर सकते हैं, इससे 16 घंटे का फास्ट हो जाता है। लेकिन हमें यह डायरेक्टली या ड्रास्टिकली नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके शरीर को आदत डालनी है। हफ्ते में एक बार अगर आप 16 आवर्स का फास्ट अब से शुरू करें तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन रोज़ के लिए 12 घंटे का फास्ट 8 से 8 तक बेहतरीन है। तो सोल्यूशन नंबर टू इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बारे में हम जितना बोलें, उनके फ़ायदे के बारे में जितना बोलें उतना कम है। एक्सरसाइज करने के जितने फिजिकल बेनिफिट्स हैं उतने ही मेंटल बेनिफिट्स हैं। एक्सरसाइज का हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है और जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ओवर द ईयर्स हमें इसका एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई देता है। सो गाइस, फास्टिंग और एक्सरसाइज हमारे रूटीन में होना ज़रूरी है। तो हमने देखा एक सिंपल स्टेप से फास्टिंग की शुरुआत हम अभी से आज से ही कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, फास्टिंग और एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। अपने हिसाब से जाइए, अपनी छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए। हमें किसी और से कम्पीट नहीं करना है। हम जो कल थे उससे आज हमें बेहतर होना है, हम जो आज है उससे हमें कल बेहतर होना है। दैट्स वॉट वी वांट टू अचीव इन हेल्थ पैसिफिक। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमें हेल्थ के रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है। अपनी हेल्थ के लिए केयर करना ज़रूरी ही है, लेकिन आप जिन और लोगों की केयर करते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्थ के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन मिले। बाय।